हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो देखिए यहाँ पे सब्सक्राइब का लाल बटन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की सूचना प्राप्त होती रहे। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं, जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे उस स्टॉक का नाम है, उस कंपनी का नाम है रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसकी वेबसाइट पर हम एक झलक मारेंगे। मैंने पूरा पढ़ा है और इसके काफ़ी चार्ट देखे, मैंने फाइनेंशियल भी देखे। आइए बात करते हैं उस पर। देखिए फ्लोरिंग का काम ये किस किस इंडस्ट्रीज़ में करती है, प्रोवाइड करती है। ये जो फ्लोरिंग है आप देख सकते हैं, पहले कुछ ब्रीफ पढ़ दूँ। अ लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ पॉलीविनिल क्लोराइड पीवीसी बेस्ड प्रोडक्ट्स, वी आर अमंग द टॉप थ्री प्रोड्यूसर्स ऑफ विनाइल फ्लोरिंग इंटरनेशनली एंड द लार्जेस्ट इंडियन प्रोड्यूसर ऑफ पी वी सी फ्लोरिंग एंड आर्टिफिशियल लेदर क्लॉथ एट रेस्पॉन्सिव। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बिजनेस, इट्स अबाउट द रिलेशनशिप। देयरफॉर अवर मंत्रा वी लिसन वी आर रेस्पॉन्सिव की फीचर्स। चलिए तो फीचर्स बता रहे हैं। देखिए हेल्थ केयर में और सेफ्टी एंड ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, रिटेल एंड ऑफिस, हॉस्पिटैलिटी, रेजिडेंशियल इंडस्ट्रीज। तो ये जो कई प्रकार के आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ जो फ्लोरिंग में ये इनकी प्रोडक्ट लगाए जाते हैं और ये बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, वर्ल्ड वाइड ये एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया के लीडिंग ग्लोबल मैन्युफैक्चरर ऑफ, तो आप प्रोडक्ट समझ गए होंगे कि ऑफिस से लेके घर से लेके स्कूल को क्लासरूम से लेके सब जगह ये पाए जाते हैं और नो डाउट प्रोडक्ट तो बहुत ही बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड फ्लैट है, स्कोर है अभी 2, क्वालिटी एवरेज क्वालिटी कंपनी है और वैल्यूएशन यहाँ पे अभी वेरी एक्सपेंसिव का शो कर रहा है। तो आइए पहले हम देखते हैं कितना प्राइस है इसका। रेस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड और 5 अप्रैल 2019 4 बजे जब मार्केट क्लोज हुई थी तो इसका भाव जो लास्ट प्राइस ट्रेड किया था 91.85 रुपये पे और 52 वीक लो बनाया था 39 रुपीज़ के आसपास और हाई था इसका 105 रुपये। तो अपने हाई को अभी छूने वाला है। ये देखिए स्टैंड अलोन के हम यहाँ पे रिजल्ट, सॉरी मार्केट कैप है 2451 करोड़ का। EPS देखिए कम है 1.63 रुपये, अर्निंग पर शेयर P56 का और इंडस्ट्री P यहाँ पे 30 का, तो P ज़्यादा है ऑब्वियसली अपनी इंडस्ट्री कंपैरिजन में। और बुक वैल्यू यहाँ पे 23 की है, प्राइस टू बुक है 3.99 की, फेस वैल्यू 1 की है और डिविडेंड यील्ड डिविडेंड पेइंग स्टॉक है और डिलीवरेबल है 12 पम्प, जो कि कम है थोड़ा सा, डिलीवरी अभी लोग नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। टोटल देखिए कर्जा है इन पर 155 करोड़ का, जो कि मेरे विचार से कम है, एक से कम ही है। और यहाँ पे हम जो चार्ट देख रहे हैं कंसोलिडेटेड, हाँ हम स्टैंडर्ड अलोन के रिजल्ट्स देख रहे हैं। देखिए मार्च 18 में जो 236 करोड़ की नेट सेल्स थी, जून 18 में 211 की हो रह गई सिर्फ, और सितंबर 18 में 224 करोड़ की नेट सेल्स थी और वो जाके दिसंबर 18 में 116 करोड़ की। तो यहाँ पे जून 18 के और दिसंबर 18 के क्वार्टर में डाउन साइड है। और नेट प्रॉफिट में अगर हम चलें तो जहाँ मार्च 18 में 3.82 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं जून 18 में 16.29 करोड़ का, चलिए यहाँ पे ग्रोथ थी, और सितंबर 18 में 18.40 करोड़ का, और सीधे यहाँ पे दिसंबर 18 में 5 करोड़ की रह गई आसपास, जो कि डाउन साइड है। कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। उस हिसाब से रिटर्न्स भी आपको दिखाई देंगे। देखिए 10 सालों में 89% का रिटर्न है, 5 सालों में नेगेटिव है, 4 सालों में 23% का नेगेटिव है, 3 सालों में 8% की अपसाइड है, 2 सालों में 1% की अपसाइड है, 1 साल में 79 करीब 80% के हिसाब से इसने बाउंस बैक किया है और ज़बरदस्त रिटर्न है 1 साल में 80% के आसपास। ईयर टिल डेट में 1.60 का रिटर्न है और 6 मंथ में अगेन इसने जो है 29 करीब 30% के आसपास रिटर्न दिया है। 3 मंथ्स में 3.72 के नेगेटिव है, 1 मंथ में 1.61 के नेगेटिव, 1 वीक में 0.16% के प्लस में है, पॉजिटिव है, और 1 डे में फिर नेगेटिव यहाँ पे दिखा रहा है। अब हम इसके
चलिए हम यहाँ पे जो है एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। देखिए मार्च 17 से मार्च 18 में यहाँ पे 38% के नेट सेल्स में डाउन साइड है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 30% के करीब डाउन साइड है, लेकिन नेट प्रॉफिट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में यहाँ पे बराबरी का मामला है, 0.94% की बढ़त पे है और मार्जिन 1.04 मार्जिन ज़्यादा मतलब प्लस में है, तो ये अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आते हैं तो प्रमोटर्स के पास है 50% 50.13% की होल्डिंग है, चलिए अच्छी चीज़ है। और एक भी शेयर गिर भी नहीं, म्यूचुअल फंड्स की जीरो स्कीम से FIIs ने यहाँ पे 3 FIIs ने इन्वेस्ट कर रखा हुआ है और इंडिविजुअल बहुत ही कम है, 1.03% के मतलब 1% के आसपास। फ्रेंड्स प्लास्टिक एंड प्रोडक्ट से रिलेटेड कंपनी है, प्राइवेट हाउस 1982 से काम कर रही है और 10 पैसे पर शेयर के हिसाब से इसने 2018 में डिविडेंड भी पे किया था और स्मॉल कैप कंपनी है, 2451 करोड़ की, अपनी इंडस्ट्री में 5th नंबर पे है। तो टॉप सेगमेंट्स में पीवीसी फ्लोरिंग एंड अदर पीवीसी प्रोडक्ट्स 69 पॉइंट मतलब 70% के आसपास की इससे सेगमेंट से आए हैं और रोप्स 30% के आसपास इसमें से। फ्रेंड्स अभी जो इसके प्रोडक्ट्स देखे हमने इसके वेबसाइट पे जाके, तो मुझे लगता है कि इस कंपनी में भविष्य में अभी थोड़ा सा रिजल्ट्स इसके ज़रूर, या इसके नेट सेल्स या इसको जो ROE ROCE थोड़ा सा बहुत ही कम है और PE उस हिसाब से ज़्यादा है, वैल्यूएशन में थोड़ा सा महंगा दिख रहा है और जो करंट भाव इसका चल रहा है, मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत नीचे के प्राइस पे अगर मिलता है मतलब ऑल लो पे, अभी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन के हिसाब से PE के हिसाब से काफ़ी महंगा दिख रहा है ये 91 का स्टॉक, तो अगर आपको डाउन साइड में अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स की कंपनियाँ आगे चलें, क्योंकि इस कंपनी पर कर्ज़ा बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही इनके शेयर्स गिरवी हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स जो हैं एक साल में इसने बहुत अच्छा ज़बरदस्त बाउंस बैक किया, करीब करीब डबल ही कर दिया है। तो होता क्या है कि कुछ अच्छी कंपनियां होती हैं जिस हिसाब से अपने भारत देश की ग्रोथ हो रही है, तो इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ती रहेगी, बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं फ्लोरिंग में, तो ये वेबसाइट पे भी आप विज़िट कर सकते हैं अगर आप इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं बहुत ज़्यादा और ख़रीदने की सोच रहे हैं तो, और लो और गिरावट पे आप चाहें तो इस पे थोड़े थोड़े शेयर्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं, कुछ शेयर्स रखिए। कभी कभी क्या होते हैं कुछ कुछ कंपनियों के प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे होते हैं और पता नहीं चलता कि इतने छोटी स्टॉक के प्राइस वाला अब कभी फाइनेंशियल उसका अच्छा आ गया, फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा दिखाने लगा, ग्रो नेट सेल्स बढ़ने लगी, नेट प्रॉफिट में अच्छी इनकम होने लगी, तो ये लोग मल्टी बैगर बन जाते हैं जो जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं या माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं। तो इस हिसाब से इस लिहाज से अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इसमें फोकस रखें और या फिर नज़र बनाए रखें, जब आपको डाउन साइड में दिखे तो ज़रूर खरीदें, मैं भी अपने उसमें नज़र बना के रखूँगा, लेकिन मैं अभी इस ख़रीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अभी हिसाब से मुझे जो फंडामेंटल चाहिए था ROE ROCE वगैरह PE बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से मुझे इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आया, तो चलिए देखते हैं क्या होता, अभी आगे इस पर देख नज़र बनाए रखेंगे और सूचित करते रहिएगा, आपको भी इसके बारे में पता चलता रहे। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल की सलाह ज़रूर ले लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।